गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवोदया विद्यालय स्कूल्स का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन होता है क्लासेस का, वो आ गया है। एंड आप लोग को एडवाइस दी जाती है कि आप लोग की वेबसाइट पे जाके अपना नोटिफिकेशन इसका नोटिफिकेशन देखें, प्रॉस्पेक्टस पढ़िए और इसके बाद में इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर दीजिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं इसमें पूरा डिटेल्स में बताऊँगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फ़िलअप करना है और एग्जामिनेशन का किस तरह का रहेगा। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। मैं जो भी आगे डेवलपमेंट होते रहेंगे उसके बारे में वीडियो बना के आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले आप नवोदय विद्यालय .gov.in में अपना लॉगिन हो जाइए, अपना एंटर हो जाइए। उसके बाद में थोड़ा नीचे जाने के बाद, स्क्रॉल करने के बाद में आपको व्हाट्स न्यू आएगा, इसमें लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास सिक्स, इसमें आप क्लिक करना है। ये आपको एक दूसरे पेज में लेके जाएगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फिलअप करना है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि इसमें एक और नोटिफिकेशन दिया है जिसमें आपको प्रॉस्पेक्टस दिया गया है। ये आपका प्रॉस्पेक्टस है, एक्चुअली इसको कैसे डाउनलोड करना है आप देख लीजिए। ये होम पेज में जाने से आपको इसका व्हाट्स न्यू में जाएंगे तो आपको ये प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा। प्रॉस्पेक्टस फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन इन क्लास सिक्स, इसका क्लिक करने से एक पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड होगी, इसको आप ओपन कर लीजिए। तो ये जो पीडीएफ फाइल में आपको पूरा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इसमें कैसे करना है। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का कैसे होता है वो आपको बताया गया है। कुछ चीज़ें इसमें बताई गई है कि 600 रुपीज़ का जो फीस है वो उसमें लगेगी व्हेन यू आर इन क्लास 9 to 12। सो अदरवाइज इसकी इसमें कम्प्लीटली एजुकेशन जो होती है फ्री होती है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव स्कीम दी गई है इस प्रॉस्पेक्टस में, इसको आप अभी स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका, वो आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का जो है। टोटल 661 नवोदय विद्यालय हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज में, और स्टेट वाइज इसमें कितनी कितनी सीटें हैं वो कितने कितने स्कूल्स हैं नवोदय विद्यालय के उसमें दिए गए हैं। आप अपने स्टेट में कितने देख सकते हैं। एक साल में एक स्कूल में ऑल ये 80 स्टूडेंट लिए जाते हैं। सपोज आपका डिस्ट्रिक्ट अजमेर में है तो अजमेर में 80 स्टूडेंट्स को लिए जाएंगे क्लास सिक्स में ओनली, जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के होंगे। बट ये सीटें कम ज़्यादा भी करी जा सकती है, इसमें डिस्क्लेमर में दिया गया है। इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है कि एग्ज़ामिनेशन कब होगा। तो एग्ज़ामिनेशन जो है 11 जनवरी को होगा ऑल ओवर इंडिया में, एक्सेप्ट जो विंटर के जो स्टेट्स हैं वहाँ उनके अलावा 11 जनवरी को 11:30 बजे होगा। ये सारे स्टेट्स दिए गए हैं कि इन इन स्टेट्स में ये 11 जनवरी को 2020 को होगा। बाकी के जो स्टेट दिए गए हैं जैसे जम्मू कश्मीर के और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, वहाँ 11 अप्रैल को 11:30 बजे होगा। जो ये ऑनलाइन सबमिशन की लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2019 है। अब आपको बताते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट। इसके लिए आपको अगेन वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट का एड्रेस इसमें दिया है। इस वेबसाइट में जाने के यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये आपको एक दूसरे पेज में लेके जाएगा। वहाँ आपको दिया गया है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ये वेबसाइट आ गई है, इसमें आपको लॉगिन करने के लिए पहले लिखा है नोट कैंडिडेट क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर फेज़ वन, वहाँ आपको क्लिक करना है। बाद में आपको लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ये दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर फेज़ वन। इस रजिस्ट्रेशन जो है टू स्टेप्स में होगा, यहाँ लिखा भी है टू स्टेप्स में है। सबमिशन ऑफ पर्सनल डिटेल्स ये आपको फिलअप करनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहले आपको सेलेक्ट स्टेट करना है, अगर आप आंध्र प्रदेश के तो आंध्र प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का अनंतपुर जैसे हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपका ब्लॉक में जाएगा कि कौन कौन से ब्लॉक, यहाँ से आप अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं आप इसको देख सकते हैं।
यस। इसके बाद आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट ब्लॉक, ये जैसे धर्मावरम जैसे हमने सेलेक्ट किया। और आपने नेम ऑफ स्कूल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कौन सी स्कूल में आप अभी स्टडी कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है, ये जो आप अपने टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेम ऑफ कैंडिडेट, आप अपना टाइप करिए, मोबाइल नंबर आप अपना लिखिए, और डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करने के बाद में ये जो कैप्चा जो दिया है बॉक्स में वो आपको इसमें एंटर करके सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद में ये आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। ये सब डिटेल्स अगर आप फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको जाना है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद में आपको लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद में आपको सेकंड स्टेज में फिलअप करना है फॉर्म को। ये वाला स्क्रीन जो आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए और पासवर्ड लिखिए अपना जो उसमें जनरेट हुआ था। उसके बाद लॉगिन होने के बाद आपको बाकी का फॉर्म फिलअप करना है। बाकी का फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू फिल अप द फॉर्म ऑनलाइन एंड अपलोड द सर्टिफिकेट इशूड बाय द हेडमास्टर। तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो दिया लास्ट पेज में दिया गया है उसको आप स्कैन करके इसमें आप फोटोग्राफ लगा के सिग्नेचर लेके सबके उसको आप इस फॉर्मेट में JPG फॉर्मेट में जिसकी साइज़ 10 से 100 KB के बीच में ही होनी चाहिए। तो ये आपको अपलोड करना है फॉर्म जो लास्ट में दिया गया, मैं बताऊँगा अभी। इसके बाद आता है ये जो इसमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ फीस नहीं ली जाएगी अपने ऑनलाइन फॉर्म में, और इसमें हेल्प डेस्क भी दी गई है टू असिस्ट द कैंडिडेट्स। एडमिट कार्ड इशूड करने के लिए 1 दिसंबर 2019 से चालू हो जाएगा जो समर स्कूल्स हैं उनके लिए, और 2020 से 1 मार्च से चालू होगा जो विंटर स्कूल्स के लिए। रिजल्ट जो होगा आपको बताया गया है मार्च में, मार्च 2020 में या मई 2020 में विंटर स्कूल के लिए फेज़ वन और फेज़ टू के लिए आएगा, और ये ऑनलाइन नॉर्मली ऑनलाइन आ जाता है। सिलेक्शन और एडमिशन ये सब की बात की एक्टिविटी है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, आप पहले इसको फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, उसके बाद कैसे करना है उसके बाद देख सकते हैं। मार्क्स जो होते हैं वो बताए नहीं जाते हैं, नॉट कम्युनिकेटेड करके लिखा है इन्होंने, और रीवैल्यूएशन का कोई प्रोसीजर प्रोविज़न नहीं दिया है इन्होंने। और भी यह है कि जैसे अगर आपको इसमें क्लास 9th के अंदर में आपको माइग्रेशन दिया जाता है नॉन हिंदी स्टेट से नॉन हिंदी स्टेट्स के स्कूल में आपको भेजा जाता है, अगर आपको ये माइग्रेशन के लिए आप अगर एग्री नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको एग्री करना कंपलसरी होता है। और भी अदर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कैंडिडेट एंड देयर पेरेंट मे नॉट नोट दैट द चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ द विल बी एडमिटेड ओनली इन द JNV लोकेटेड इन देयर द डिस्ट्रिक्ट वेयर द स्टूडेंट इज स्टडिंग इन क्लास 5th एंड अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन टू एनी अदर JNV। सो ये आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने क्लास 5 किया है। और अदर डिटेल दी गई है कि जो आपको जो अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें गाइडलाइंस दी गई है कि अगर आप रूरल कैटेगरी के हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और कि आपने स्टडी करी है क्लास 3, 4 और 5 जो है रूरल एरिया से। तो लास्ट की 3 क्लासेस आपको रूरल एरिया से करना कंपलसरी है रिजर्वेशन लेने के लिए, 75% जो रिजर्वेशन रहता है। हु इज़ एलिजिबल, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं ये इसमें बताया गया है कि आपका बॉर्न इस डेट के बीच में होना चाहिए। ये आप केयरफुली देख लीजिए, अगर आप इस कैटेगरी में इसमें बिलोंग करते हैं देन आपको आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो दी गई है यहाँ पे है, आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल्स होना चाहिए, वो तो नॉर्मली सभी होते हैं। कैंडिडेट आर नॉट, हाँ ये तो ठीक है, हाँ नो कैंडिडेट इज एलिबल टू अपियर फॉर द सेकेंड टाइम, आपको एक ही अटैम्प्ट मिलता है इसमें, दूसरा अटैम्प्ट नहीं मिलेगा।
रूरल कैंडिडेट के जैसे बताया गया कि 75% रिजर्वेशन रहता है, बट आपको क्लास 3, 4 और 5 जो है रूरल से आपको करनी है, देन आपको मिलेगा उसमें। बट आपको क्लास 5 जो वहीं उसी डिस्ट्रिक्ट से करनी है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन चाहिए। भले ही आप रूरल से आप क्लास 3 एंड क्लास 4 कर ली हैं, बट क्लास 5 जहाँ करेंगे वहीं आपको एडमिशन मिलेगा उसी डिस्ट्रिक्ट में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। हाँ, इसके बाद में आपको अर्बन कैंडिडेट्स का जो 25% जो रहता है वो अर्बन कैंडिडेट्स के लिए है, और उसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। रिजर्वेशन सीट जो है जैसे बताई गई 75 रूरल के लिए रहती है, और जो नॉर्मल रिजर्वेशन रहता है SC ST के लिए, और 1/3 जो रहेगा वो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए रहेगा रिजर्वेशन, और दिव्यांग जो है हैंडीकैप पीपल्स हैं उनके लिए भी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से रिजर्वेशन है। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको इसमें स्कैन करके लगाने हैं, प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ, आपको जो जैसे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो रहता है बर्थ सर्टिफिकेट वो आपको लगाना है। एलिजिबिलिटी अगर आपको दूसरा जो दिया पॉइंट है इसमें, रूरल कोटा से बिलोंग करते हैं अगर रिजर्वेशन चाहिए तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, और वो अन्य अदर डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए इसमें लिखे गए हैं। सिलेक्शन टेस्ट जो सेंटर एग्जामिनेशन होगा एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया जाएगा, नॉर्मली उसी डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आती है कि कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज है। मान लीजिए अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप हिंदी, इंग्लिश, तेलुगू ये सब लैंग्वेज ले सकते हैं, बट लैंग्वेज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आपको कैंडिडेट विल बी गिवन अ टेस्ट बुकलेट इन लैंग्वेज फॉर विच ही हैज मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये कैसे एग्जामिनेशन कैसा होता है, ये इसमें बहुत कम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे कंपोजिशन है, एग्जामिनेशन 2 घंटे का रहेगा, 11:30 से चालू होके 1:30 तक रहेगा। 3 सेक्शन है, 80 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा। तो 40 क्वेश्चंस रहेंगे मेंटल एबिलिटी के जिसके मार्क्स 50 है, और इसको 1 घंटे में आपको करना है। अर्थमेटिक और लैंग्वेज टेस्ट जो है 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे उसके। आपको ये देखना है कि ऑल द सेक्शन विल बी गिवन टू ईच कैंडिडेट 30 मिनट, वो ठीक है, वो उसका कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग OMR शीट में आपको करना है ओनली, ये ब्लैक और ब्लू पेन आपको यूज़ करना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो नोट करना है कि एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है 1.25 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, बट आपको मिनिमम ईच सेक्शन में आने चाहिए करके ये एक पॉइंट इसमें है। आपको ऑल सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन, ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। टोटल टाइम 2 आवर्स जो दिया गया है वो ऐसे बताया गया है कि दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 1/2 आवर एक्स्ट्रा है, वो उसमें डिटेल्स दी गई है। सिक्योरिंग क्वालिफाई मार्क्स इन ईच ऑफ द थ्री सेक्शन इज एसेंशियल, ईच एंड एवरी सेक्शन में आपको कम से कम क्वालिफाई मार्क्स सर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अब एक में कुछ अटेम्प्ट ही ना करें, तो ये कंपलसरी होना है, और बाकी सब इसमें जनरल डिटेल दी गई है। नेचर ऑफ टेस्ट कैसा रहेगा इसमें डिटेल्स में दिया गया है, वो मैं क्वेश्चन पेपर भी आपके जो पास्ट ईयर के हैं मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप नेक्स्ट वीडियो इसको मेरे इसमें देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पेपर पास्ट में आए हैं और कैसा सैम्पल क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो ये इसमें दिया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, नोटिफिकेशन इसमें दिया गया है अर्थमेटिक्स टेस्ट में, और इसमें सब ज़्यादा डिटेल्स में दिए गए हैं। लैंग्वेज टेस्ट भी रहेगा। आपको लास्ट डेट सबमिट ऑनलाइन का है 15 सितंबर 2019, ये बार बार में रिपीट किया जा रहा है, और भी डिटेल्स इसमें दी गई है, आप इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। आई थिंक मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ डिटेल दे दी गई है। ये एक फॉर्मेट दिया गया है इसमें, ये फॉर्मेट है रेसिडेंट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, जो NIOS से बिलोंग करते हैं जिनकी स्कूल से NIOS के थ्रू है। लास्ट का फॉर्मेट आपको जो है हेडमास्टर के थ्रू जो आपको फिलअप करके आपको भेजना है। ये आपको स्कैन करके फॉर्मेट आपको फिलअप करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है,
पूरा फॉर्मेट आपको फिलअप करना, नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको फिलअप करने के बाद में आपने क्लास थ्री में जो आपने 3, 4 एंड 5 की जो है डिटेल्स, नेम ऑफ स्कूल, ये सब आपको देनी है। यहाँ पे सिग्नेचर हेड मास्टर रहेगा, ये सब डिटेल्स आपके सिग्नेचर पेरेंट भी रहेगा, सिग्नेचर कैंडिडेट भी रहेगा। इनके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन स्कैन करके डालनी है, वो भी आप देख के आपको पूरा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, और ये फॉर्मेट को पूरे इस फॉर्मेट को आपको जो है स्कैन करके आपको अपलोड करना है। सो ये सब मैंने आपको डिटेल बताई है, आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो आपका लॉगिन का स्क्रीन है, इसमें आप लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको फॉर्म जो है फिलअप करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।